हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, एलडीसी रेलवे रेलवे टेक टेक एंड एंड मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में में आप आप लोग लोग का का स्वागत स्वागत है। है। आज आज हम हम लोग लोग प्रतिशत प्रतिशत से से संबंधित संबंधित प्रश्न प्रश्न के के बारे बारे में में देखेंगे। देखेंगे। प्रतिशत प्रतिशत से से संबंधित संबंधित प्रश्न प्रश्न भी भी बहुत बहुत सारे सारे एग्जाम एग्जाम में में पूछे पूछे जाते जाते हैं, हैं, इसलिए इसलिए मैंने मैंने सोचा सोचा कि कि से से संबंधित संबंधित प्रश्न प्रश्न पर पर भी भी वीडियो वीडियो बनाया बनाया जाए। जाए। अगर अगर यह यह वीडियो वीडियो आप आप लोग लोग को को अच्छा अच्छा लगे लगे तो तो लाइक लाइक एंड एंड शेयर शेयर जरूर जरूर करेंगे। करेंगे। देर देर ना ना करते करते हुए हुए हम हम क्वेश्चन क्वेश्चन पर पर चलते चलते हैं। हैं। देखिए, देखिए, एक एक नंबर नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि एक एक आदमी आदमी अपने अपने आय आय का का 45% पैंतालीस राशन राशन पर, पर, 15% पंद्रह प्रतिशत कपड़ों कपड़ों पर पर तथा तथा 20%20% अन्य अन्य पर पर खर्च खर्च करता करता है। है। यदि यदि उसके उसके पास पास 75 75 रुपया रुपया बचता बचता है है तो तो उसकी उसकी आय आय कितना कितना है? है? देखिए, देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन पर पर ध्यान ध्यान देने देने जो जो बात बात है है कि कि इसमें इसमें आय आय पूछ पूछ रहा रहा है है कि कि इसकी इसकी आय आय कितना कितना है, है, और और ये ये सब सब खर्च खर्च करने करने के के बाद बाद इसको इसको बचता बचता है है कितना? कितना? 75 75 रुपया रुपया बचता बचता है। है। तो तो हम हम क्या क्या करेंगे करेंगे कि कि इसको इसको निकालेंगे निकालेंगे कि कि पहले पहले यह यह कुल कुल कितना कितना खर्च खर्च किया किया है, है, उसमें उसमें 100 100 में में से से घटा घटा लेंगे लेंगे और और उसके उसके आधार आधार पर पर हम हम बना बना लेंगे। लेंगे। और और यहाँ यहाँ पर पर जो जो है है आय आय नहीं नहीं है है तो तो हम हम आय आय को को मान मान लेते लेते हैं, हैं, ठीक ठीक है? है? तो तो माना माना कि कि आय आय बराबर बराबर आय आय बराबर बराबर हम हम एक्स एक्स मान मान लेते लेते हैं हैं और और ये ये टोटल टोटल खर्च खर्च कितना कितना किया किया है है वो वो आय आय का का हम हम निकाल निकाल लेंगे। लेंगे। तो तो पहले पहले यहाँ यहाँ पर पर लिख लिख देते देते हैं हैं कि कि कुल कुल खर्च खर्च कितना कितना किया। किया। कुल कुल खर्च खर्च कितना कितना किया किया है? है? तो तो 45 45 प्लस प्लस 15 15 प्लस प्लस 20, 20, ठीक ठीक है? है? यानी यानी कितना कितना खर्च खर्च किया किया है है टोटल? टोटल? ये ये टोटल टोटल जो जो है है जोड़ जोड़ लीजिए लीजिए इसको, इसको 45 45 और और 5 5 50 50 और और 10 10 60 60 20 20 80, 80, मतलब मतलब कि कि 80% 80% ही ही टोटल टोटल खर्च खर्च किया किया है, है, ठीक ठीक है? है? तो तो इसको इसको बचत बचत कितना कितना हो हो गया? गया? तो तो 100 100 में में से से आप आप घटा घटा लीजिए लीजिए 20, 20, 80, 80, अर्थात अर्थात यह यह 20% 20% जो जो है है ये ये टोटल टोटल बचत बचत किया किया हुआ हुआ है, है, ठीक ठीक है? है? और और रुपया रुपया में में जो जो है है 75 रुपया75 रुपया बचत बचत किया किया हुआ हुआ है, है, और और आय आय हम हम एक्स एक्स मान मान लिए लिए लेते लेते हैं, हैं, यानी यानी एक्स एक्स का का यानी यानी आय आय का का 20%20% यह यह बचत बचत किया किया है। है। तब तब जाकर जाकर इसका इसका 75 रुपया75 रुपया बचा बचा हुआ हुआ है। है। अब अब इसको इसको कटा कटा लीजिए, लीजिए, 20 25 20 25 100 100 और और गुना गुना का का निगुना निगुना कर कर दीजिए, दीजिए, एक्स एक्स का का मान मान निकाल निकाल लीजिए, लीजिए, तो तो 75 75 75 पच्चीस पच्चीस आपको आपको कितना कितना हो हो जाएगा? जाएगा? 375। 375। यानी यानी इसका इसका कुल कुल आय आय जो जो है, है, यहाँ यहाँ पर पर पूछ पूछ रहा रहा है है इसका इसका कुल कुल आय आय कितना कितना हो हो गया? गया? इसका इसका कुल कुल आय आय 375 375 रुपया रुपया हो हो गया, गया, ठीक ठीक है? है? यही यही इसका इसका आंसर आंसर हो हो गया, गया, ठीक ठीक है? है? अब अब इसको इसको जो जो है है मेथड मेथड हम हम टू टू से से बना, बना, दूसरे दूसरे मेथड मेथड से से हम हम बना बना कर कर देखते देखते हैं। हैं। ये ये मेथड मेथड तो तो आप आप लोग लोग को को जहां जहां तक तक विश्वास विश्वास है है कि कि आप आप लोग लोग को को समझ समझ में में आ आ गया गया होगा, होगा, दूसरे दूसरे मेथड मेथड से से देखिए देखिए क्या क्या होता होता है। है। इसमें इसमें जो जो है, है, यहाँ यहाँ पर पर पहले पहले हम हम दूसरे दूसरे मेथड मेथड का का हम हम सूत्र सूत्र लिख लिख देते देते हैं। हैं। लिख लिख दीजिए दीजिए मेथड, मेथड, मेथड मेथड टू टू यहाँ यहाँ पर पर हम हम लिख लिख देते देते हैं, हैं, ठीक ठीक है? है? इसका इसका सूत्र सूत्र होता होता है है मेथड मेथड टू टू का, का, यानी यानी कुल कुल आय आय बराबर बराबर कुल कुल आय आय बराबर बराबर बचत, बचत 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 बटा बटा 100 100 माइनस माइनस कुल कुल खर्च, खर्च, ठीक ठीक है? है? 100 100 में में से से कुल कुल खर्च खर्च निकाल निकाल लीजिए, लीजिए, कुल कुल खर्च, खर्च, ठीक ठीक है? है? और और गुना गुना 100, 100, ठीक ठीक है? है? इस इस आधार आधार पर पर भी भी हम हम अगर अगर बैठा बैठा देते देते हैं हैं तो तो आपका आपका क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व हो हो जाएगा। जाएगा। कुल कुल आय आय बराबर बराबर थे, थे, हमको हमको तो तो यहाँ यहाँ पर पर तो तो निकालना निकालना ही ही है है कि कि उसकी उसकी कुल कुल आय आय के के यहाँ यहाँ पर पर क्वेश्चन क्वेश्चन में में दिया दिया है है कि कि उसका उसका आय आय क्या क्या है। है। तो तो बचत बचत बटा बटा 100 100 माइनस माइनस कुल कुल खर्च खर्च बटा बटा गुना गुना 100 100 है, है, तो तो बचत बचत कितना कितना किया किया है? है? यहाँ यहाँ पर पर दिया दिया हुआ हुआ है है कि कि बचत बचत जो जो है है 75 75 रुपया रुपया किया किया हुआ हुआ है, है, तो तो हम हम 75 75 लिख लिख देते देते हैं। हैं। अब अब बटा बटा 100 100 माइनस माइनस कुल कुल खर्च, खर्च, तो तो कुल कुल खर्च खर्च कितना कितना किया किया हुआ हुआ है? है? 45, पैंतालीस, 15 15 और और 20, 20, यानी यानी कुल कुल 80 80 जो जो है है यहाँ यहाँ पर पर खर्च खर्च किया किया हुआ हुआ है, है, 80% 80% अस्सी 80% प्रतिशत प्रतिशत और और इसमें इसमें जो जो है है गुना गुना 100 100 से से कर कर लीजिए, लीजिए, ठीक ठीक है? है? तो तो कितना कितना हो हो जाएगा? जाएगा? यानी यानी 75 75 बटा बटा 20 20 गुने गुने 100, 100, और और इसको इसको आराम आराम से से कटा कटा दीजिए, दीजिए, 20 20 पचे पचे 100 100 और और 75 75 पचे पचे कितना कितना हो हो जाएगा? जाएगा? पहले पहले भी भी आया आया था था 300 300 75, 75, ये ये इसका इसका कुल कुल आय आय हो हो गया, गया, ये ये हो हो गया गया 300, 300 75 75 इसका इसका आंसर आंसर हो हो गया, गया, ये ये दूसरा दूसरा मेथड मेथड हो हो गया। गया। तो तो पहले पहले मेथड मेथड थड† में मेंױथडױ
100 माइनस स्कूल खर्च गुने 100, इस पर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड पर आप बनाइए, हमारा काम है कि दोनों मेथड बताना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जहां तक विश्वास है कि आप लोगों को अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, दो नंबर में क्या कह रहा है देख लीजिए कि मोहन अपनी आय का 20% हिस्सा भोजन पर तथा 30% पढ़ाई पर, 25% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसका मासिक आय, देखिए इसमें आय दिया हुआ है, मासिक आय 500 रुपया हो तो उसका बचत क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आय का हम जितना ही खर्च किया है उसमें से उसको हम निकाल देंगे तो जो बचेगा उसका शेष बच जाएगा, मतलब कि उसका बचत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो है कुल खर्च इसका जोड़ लीजिए कि कितना हो रहा है। ठीक है, कुल खर्च 20 + 30 + 25 यानी 30 20 50 + 25 बराबर, यानी टोटल ये जो है 75% जो है खर्च कर रहा है। ठीक है, तो बचत जो है कितना कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि बचत कितना है, इसलिए हमको बचत निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बचत जो है, बचत निकाल लीजिए, 100 - 75 बराबर 25% या टोटल जो है बचत करता है। ठीक है, 25% बचत करता है, तो हम बचत आराम से अब निकाल सकते हैं प्रतिशत में। इसके आय जो है 500 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर बचत बराबर यानी 500 का 25% जो है यह बचत कर रहा है। ठीक है, अब इसको आराम से निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 25 125, यानी 125 रुपया इसका जो है बचत हो गया, यही इसका आंसर हो जा रहा है। ठीक है, यानी 125 रुपया जो है इसका बचत हो जा रहा है। इसके आधार पर फिर हम सेकेंड मेथड से, जिसे उसमें बताए थे, उस मेथड पर इसमें भी हम बना सकते हैं। ठीक है, इसको ये आपको तो समझ में आ गया होगा, कुल खर्च निकाल लीजिए और 100 में से घटा करके आय दिया है 500, 500 को 25% निकाल लीजिए, वहीं उसका बचत हो गया। ठीक है, चलिए हम दूसरे मेथड से भी बना कर देखते हैं। ऊपर मैंने सूत्र लिखा था कि आय बराबर बचत, बचत बटा 100 - कुल खर्च, 100 - कुल खर्च और यहाँ जो है गुना 100। ठीक है, इसमें आय दिया हुआ है यहाँ 500, 500 यहाँ आय दिया हुआ है, बचत कितना दिया हुआ है नहीं मालूम है, यहाँ पर x दे देंगे, 100 - कुल खर्च यानी कुल खर्च जिसको जोड़ लीजिए 30 20 50 25 75 75, तो यहाँ पर हम कुल खर्च यहाँ पर हम लिख दिए और गुना 100 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ कैसे यार कितना आ गया, 500 बराबर x बटा इसमें घटा दिया तो 25 आ गया गुना 100। ठीक है, गुना 100, तो ये जो है इसको कटा दीजिए, 25 चौका 100 और 4 से इसको कटा दीजिए इधर, 125 चौका 500, अर्थात यहाँ भी x का मान यानी बचत बराबर आपको 125 रुपया आ गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक विश्वास है कि आप समझ गए होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है यह, सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़ों पर तथा यदि वह प्रतिमाह 2520 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या है। देखिए यहाँ पर बचत दिया हुआ है और वो जो क्वेश्चन हम लोग बनाए उस क्वेश्चन से थोड़ा ही अलग क्वेश्चन हो गया, क्योंकि उसमें डायरेक्ट था कि इतना रुपया खर्च करता है और इतना बचाता है, लेकिन इसमें जो है शेष का यानी सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर खर्च कर रहा है, और जितना खर्च करने के बाद उसको बचत होती है
उसका फिर शेष जितना बचा उसका 50%, और उस फीस मतलब खर्च करने के बाद फिर जितना शेष बच रहा है उसका 30% हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है। मतलब कि हमेशा शेष जो है इसमें शेष पर ही खर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान देने योग्य बात है। तो इसलिए इसमें बचत दिया हुआ है, इसलिए प्रत्येक खर्च के पहले बचत वाला निकाल कर लिख लेंगे। देखिए कैसे बना रहे हैं, यानी इसको 100 में से घटाकर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आय इसमें जो है नहीं दिया हुआ है, बचत है, इसलिए इसको हम आय मान लेते हैं, ठीक है। तो आय बराबर हम एक्स माना, एक्स हम आय बराबर एक्स मान लिए, ठीक है। अब देखिए आय का 40% हिस्सा भोजन पर खर्च कर रहा है, 40% हिस्सा भोजन पर खर्च कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 - 40/100, यहाँ पर लिखने पर जो है प्रोसेस ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट घटा कर लिख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं कि 40% हिस्सा जो है भोजन पर खर्च करता है, उस जितना शेष बचा है उसका 50% हिस्सा है यहाँ पर। तो शेष तो है, इसलिए यहाँ पर शेष दिया हुआ है, इसलिए हम 100 में से घटा कर लिखेंगे, अर्थात 60/100, ठीक है। और देखिए जितना शेष इसका बच गया उसका 50% हिस्सा यातायात पर, अर्थात 100 में से फिर 50 घटाइएगा तो 50 - 100, ठीक है। और गुना, अब देखिए उसके बाद 30% हिस्सा जो है कपड़ों पर खर्च करता है, यहाँ पर 70/100, ठीक है। अब इतना खर्च करने के बाद में 2520 रुपया इसको बच रहा है, ठीक है, 2520 रुपया इसको बच रहा है। अब इसको आराम से कटा लीजिए, देखिए ऊपर 3 जीरो है तो 3 जीरो नीचे से काट लीजिए, ये 0 से 0, 3 से 3 गो 0 खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको भी कटा लीजिए, आसान पड़ रहा है, 5 × 2 = 10, ठीक है। और ये 2 से इसको कटा लीजिए, 3 × 2 = 6, ठीक है। और 3 से जो है ये कट जा रहा है, ठीक है, 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7, 7 × 2 = 9, 3 से कट जा रहा है, ठीक है। ये 3 से जो है इसको कटा दीजिए, ठीक है, 8 × 3 = 24, 1 हो यहाँ चाहो चल गया, 4 × 3 = 12, यानी 840, ठीक है, 840। देखिए ये भी इस 7 से भी कटने वाला है, 12 × 7 = 84, ठीक है, 12 × 7 = 84, 0 यहाँ पड़ गया। और नीचे देखिए यहाँ पर 100 बचा हुआ है, ऊपर जो है 7 है, ठीक है ना, यानी ये कोना कानी जब हम गुना करेंगे तो 1200 × 2 = 0 पड़ जाएगा, अर्थात x बराबर 1200 × 2 = 0, यानी 3 जीरो, 12 यानी 120 × 2 = 0, ठीक है। तो हम आय जो है x माने थे, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय कितना है, तो मासिक आय x माने थे, x का मान 12,000 रुपया निकल गया, इसलिए यही इसका आंसर हो गया, यानी क्या हो गया, ये आय, ठीक है। अब देखिए इसी का हम सेकेंड मेथड जो उस उधर जो हम बना रहे थे, इसको सेकेंड मेथड में ही हम बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड में फिर यहां पर हम लिखेंगे आय बराबर फिर वही 100, अब यहां पर थोड़ा 100 ऊपर चला जाएगा, 100 - 100 देखिए भाई खर्च जो है, यहाँ पर हम पहले देखिए सूत्र को लिए 100 - a, यहाँ पर a जो है प्रतिशत में है, गुना 100 - b प्रतिशत, गुना 100 - c प्रतिशत, इस तरह मतलब जितना भी रहे हम आगे तक जा सकते हैं, ठीक है ना। अब गुना आगे भी जितना भी एबीसीडी जितना भी रहा इसके बाद गुना बचत, बचत, ठीक है। तो ये एबीसी जितना भी ये 3 गो दिया हुआ है, जिसे 40 ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो इसको एबीसी जितना भी दिया रहेगा उसको 100 में से घटा कर लिखते जाएंगे, गुना बचत बराबर, अब इधर आय बराबर, यही इसका सूत्र है, आप सूत्र इस पर सूत्र जो है याद रखिएगा और इस पर आप सजा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आय निकालना है, आय बराबर है ही, तो यहाँ पर लिख लीजिए अब 100 - इसमें 100 में से ए, ए हम 40, अब देखिए यहाँ पर 40 लिखेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर प्रोसेस लंबा हो जा रहा है, ठीक है,
इसलिए हम डायरेक्ट घटाकर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 40 गुना फिर 100 बटा 20 को घटाएंगे 50, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 और गुना फिर 100 बटा 100 में से सी अर्थात 30 घटाएंगे तो यहाँ 70 हो जाएगा गुना बचत। बचत कितना है इसका है 2520 रुपया, ठीक है। अब इसको कटा लीजिए, ठीक है। देखिए 10 20 30 तो 10 20 30 कट गया और ये 5 2 10 कट गया। अच्छा और ये 3 से इसको 2 से कटा दीजिए, 3 2 6 भी कट गया और इसको इससे कटा दीजिए, 8 3 24 4 3 12 और ये 7 से इसको कटा दीजिए, 12 7 84, ठीक है। देखिए ऊपर 100 बचा हुआ है, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा तो 12 पर 3 को 0 यानी रुपया यह जो है इसका आय हो गया, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और ये क्वेश्चन जहां तक है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें जो है विशेष कुछ है नहीं, कंपटीशन के लड़का इतना नहीं समझ पाए तो फिर क्या समझ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए डबल 3 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 वो भी था, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी टाइपिंग में थोड़ा सा लिखिए। 3 नंबर फिर क्या रहेगा कि एक आदमी अपने मासिक वेतन जो है 20,000 रुपया, देखिए इसमें मासिक वेतन आय दिया हुआ है 20,000 रुपया, वह 20% खाने पर, शेष का 10% किराए पर, शेष का 25% शिक्षा पर, शेष का 25% अन्य खर्च करता है, तो उसकी बचत क्या है। देखिए यहाँ पर बचत पूछ रहा है कि इसकी बचत क्या है, ठीक है, और इसमें आय दिया हुआ है, ठीक है। तो इस आधार पर भी हम पहले वाले जिसे हम बनाए थे आय जो है 20,000 है, उसमें शेष का मतलब जो है हमेशा घटाकर ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20 पर यानी कितने जीरो हैं, 4 जीरो, 20,000 गुना 20% जो है खाने पर खर्च कर रहा है, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा, 80 बटा 100। देखिए शेष वाला क्वेश्चन जो है 100 में से घटाकर, हमेशा शेष वाले क्वेश्चन में 100 में से प्रतिशत को घटाकर ही लिखिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 10% जो है किराए पर खर्च करता है तो 10 घटाएंगे तो 90 बटा 100, ठीक है। उसके बाद में है शेष का 25% शिक्षा पर, तो 25 घटाइएगा 100 में से तो 75 बटा 100 गुना फिर शेष का 25% अन्य खर्च करता है यानी फिर 75 बटा 100, इतना खर्च करने के बाद जो बचेगा वही उसका बचत होगा, ठीक है। अब इसको जो है कटाइए, देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो से इस 2 जीरो को मार दीजिए और ये 2 जीरो को ये 2 जीरो को मार दीजिए, ठीक है। एक और देखिए यहाँ पर और भी कट जा रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए और ये वाला जीरो से ये वाला जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए नीचे जो है आपको केवल 100 बचा हुआ है, ऊपर देखिए तो हम यहाँ कटा सकते हैं, इसको कटा दीजिए 25 3 75 और 25 4 100, ठीक है। और 4 से इसको कटा दीजिए, 4 2 8, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अभी बचा है 2 3 75 9 और 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर छाट कर लिख दीजिए 2 2 2 9 3 75, ठीक है। इसको जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 8100 रुपया, ठीक है। जब इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 2 4 3 12 12 9 टोटल 100 और 108 में 75 से हम जब गुना करेंगे तो 8100 आएगा, ठीक है। ई जो है उसकी बचत हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, उसका बचत हो गया, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि बचत जो है इसका 8100 रुपया आंसर,
ठीक है। ये मेथड मेथड फर्स्ट था, ठीक है। अब सेकेंड मेथड में भी इसको हम बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड में भी इसको हम बनाकर देख लेते हैं, पहले की ही तरह। फिर यहां पर आई बराबर, अब ऊपर जो है हम जो है 100 जो है ऊपर लिखेंगे, और नीचा जिसे उस पहले सेकेंड फर्स्ट वाले क्वेश्चन बनाए थे, 100 - a गुने 100/100 - b, इस तरह करके डैश डैश कर दीजिए, मतलब ए बी सी जहां तक भी जा सकते हैं, और गुना बचत। तो इसमें बचत तो है नहीं, ठीक है। बचत यहाँ पर क्या है, इसलिए बचत को मैंने यहाँ पर लिख दीजिए बचत, ठीक है। यहाँ आय जो है 20,000 है, तो 1 2 3 यानी 4 बराबर 100/a जो है, ये कितना है 20 है, ठीक है। यानी घटाएंगे 100 में से तो 80 गुना 100/90 यानी 10 घटा लेंगे, आ या 25 25 दो बार है तो घटाएंगे तो 75। ए बी सी जो है दिए हैं, तो जहां तक ए बी सी डी एफ जी तक जितना भी दिया रहेगा डायरेक्ट अपन जाते रहिए, ठीक है। तो यहाँ जो है 100/75 गुने फिर 100/75, ये 75 25 25 दो बार घट गया, और इसको जो भी फिर जब यहाँ पर और गुना एक्स बचत जो है, बचत हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। बचत जो है एक्स मान लेते हैं, और ये जो है आराम से आप कटा लीजिए, इसको जो है 1 0 से 1 0, ये जो 2 गो 0 है, तो ये 2 0 से 2 0 मार लीजिए, आ ये 2 गो 0 से इस 2 0 को कटा दीजिए, आ ये 2 0 से ये 2 0 को कटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ जो है इसको फिर अब गुना हम करेंगे ना, गुना करेंगे मतलब कि देखिए यहाँ पर जगह की थोड़ा कमी पड़ रहा है, अगर कटाएंगे तो फिर एक्स का मान जो है हमको 8100 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 8100 रुपया इसका बचत आ जाएगा, ठीक है। ये भी इसका आंसर हो जाएगा। मेथड केवल हमको पता करना है कि इस मेथड से भी बन जाएगा, इसको आप हल कीजिएगा कटा उटा करके, तो आपको 8100 आएगा। यहाँ पर जगह की थोड़ा कमी पड़ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आप लोगों को एएलपी टेक्नीशियन एलडीसी जेई के लिए सभी जो मटेरियल यहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, एएलपी टेक्नीशियन के लिए जितने भी आईटीआई के ट्रेड हैं, मशीनिस्ट टर्नर वेल्डर फिटर, उस सभी का पीडीएफ यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और एलडीसी जेई के लिए जो हमारे रेल कर्मचारी भाइयों हैं, उन लोग के लिए भी आईसीएफ एलएचबी डेमू मेमू जितने भी आप लोगों को मटेरियल की आवश्यकता है, सभी मटेरियल जो है यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। किसी पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या का, देखिए कुल पुस्तकों की संख्या का 40% हिस्सा जो है पुस्तक जो है अंग्रेजी है, जितना बच जा रहा है उस शेष का फिर 40% हिंदी में है, और जितना बच रहा है उस शेष का फिर 25% उर्दू में है। यदि 27,000 पुस्तक अन्य भाषा में है तो हिंदी के पुस्तक कितने हैं, ठीक है। उर्दू के बाद जो अन्य भाषा शेष जो बचत जिसका हो रहा है वो 27,000 जो है अन्य भाषा में है, तो हिंदी में पुस्तकों की संख्या कितनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कुल पुस्तक नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम मान लेंगे कि कुल पुस्तक जो है, कुल पुस्तक हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए प्रथम मेथड से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स का एक से 40% हिस्सा जो है अंग्रेजी में है, तो इसको घटा लीजिए, 40% घटा लीजिए तो मतलब कितना हो जाएगा, 60/100
उसके बाद में देखिए फिर 40% हिंदी में है, तो ये भी घटाने के बाद में 60/100, यानी 100 में से 40 घट रहा है, घटाएंगे तो 100, और फिर 25% जो है उर्दू में है, ठीक है। तो यहाँ जो है फिर इसको हम घटा लेंगे 75/100, ठीक है, 75/100। उसके बाद जो है, इसके बाद जो है 27,000 इसका बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना मतलब पुस्तक शेष को मतलब कि घटाने के बाद इसका कितना बच रहा है अन्य भाषा में, 27,000, ठीक है। अब जो है इसको आप आराम से कटा करके x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर 2 गो 0 है, तो हम 2 गो 0 से 2 गो 0 हम मार देते हैं, ठीक है। और इसको भी कटा लीजिए, 25 3 74 और 25 4 100, ठीक है। और इसको कटा दीजिए 9 3 27, ठीक है। यहाँ पर 3 गो 0 हो गया, ठीक है, 9 3 27। और इसको भी कटा दीजिए 2 2 4 और 3 2 6, ठीक है। और इसको जो है फिर कटा दीजिए 3 2 6, ठीक है। अब इतना हो गया है यहाँ पर, और देखिए ये भी सब कट जा रहा है आराम से, 3 3 9, यहाँ पर 9 जो है दिया हुआ है, तब 1 3 से 3 3 9 काट दिए, यहाँ पर 1,000 जो है बच जा रहा है। नीचा देखिए 100 बचा हुआ है, ठीक है, इसलिए कोना कानी हम गुना करेंगे, कोना कानी, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 1,000 पर 2 0 और पड़ जाएगा, ठीक है, यानी 1,000 पर 2 0 और पड़ जाएगा, मतलब कि 1,00,000। यानी यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी में पुस्तकों की संख्या, अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिंदी में पुस्तकों की संख्या कितना है, हम x का मान क्या निकला, यानी कुल पुस्तकों की संख्या, कुल पुस्तक जो है 1,00,000 है। उसमें देखिए अब क्या हो रहा है कि पुस्तकालय में कुल पुस्तकों का 40% हिस्सा जो है अंग्रेजी में है, तथा जितना शेष बच रहा है उसका 40% हिंदी में है, ठीक है, हमको हिंदी का ही ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 40%, अब कुल हमारा तो निकल गया यहाँ पर 1,00,000, यानी 2, यानी 1,00,000, और उसके बाद में उसका 40% हिस्सा जो है क्या चीज में है, अंग्रेजी में है, इसलिए हम इसको घटा कर लिखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है हम 100 में से घटा कर नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितना पुस्तक है उसका 40% हिस्सा अंग्रेजी में है, और शेष का जो है 40% हिंदी में है, तो उस जितना शेष का है ना, इसीलिए शेष जो हम 40 में से घटा दिए, और ये 40 जो है हम 100 में से नहीं घटाएंगे, कैसे कि उतना 40% जो है हिंदी का है, ठीक है। अब इसको कटा लीजिए 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, 6 6 का 24, 24 पर यह 0 पर जाएगा, 24 पर कितना 0 पड़ेगा, 2 0 ही, 1 0 ही, यानी अर्थात 3 0, ठीक है। अर्थात यह हिंदी जो है, हिंदी जो है पुस्तकों की संख्या, हिंदी का पुस्तकों की संख्या जो है 24,000 है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होगा, कुल पुस्तकों की संख्या एक समान लीजिए, और आय का चाहे कुल पुस्तकों का क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग है, तो एक्स का जो घटा घटा करके हम लिख देंगे, इतना करने के बाद में कुल बचत जो है कितना होता है, अर्थात अन्य पुस्तक कितना, इधर 27,000। इस प्रकार हम एक्स का मान निकालने पर 1,00,000 आ गया, और 1,00,000 का 60%, मतलब 40% जो है अंग्रेजी में है, शेष का 40% हिंदी में है, इसलिए पहले शेष जो है 40 में से घटा लेंगे, और दूसरा जो है 100 में से हम नहीं घटाएंगे, ठीक है, 100 में से हम नहीं घटाएंगे, क्योंकि उतना वो जो है हिंदी का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पांच में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पर, शेष का 30% हिस्सा यातायात पर, तथा शेष का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि 5600 रुपया उसकी बचत होता है, तो उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो है
मासिक आय जो है पूछ रहा है, इसकी मासिक आय कितना कितना है, है और और यहाँ यहाँ पर पर जो जो है है बचत बचत दिया दिया हुआ हुआ है, है और और यहाँ यहाँ पर पर शेष शेष देख देख लीजिए लीजिए कि कि एक एक बटा बटा तीन तीन दिया दिया हुआ हुआ है, है, इसलिए इसलिए कि कि थोड़ा थोड़ा यहाँ यहाँ पर पर प्रोसेस प्रोसेस से से लिखना लिखना पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक ठीक है, है, तो तो यहाँ यहाँ पर पर लिख लिख लीजिए लीजिए आय आय बराबर बराबर एक्स एक्स मान मान लीजिए। लीजिए। ठीक ठीक है, है, तो तो आय आय का का ही ही सब सब खर्च खर्च किया किया है है ना, ना, तब तब उसको उसको ये ये बचत बचत हुआ हुआ है। है। तो तो यहाँ यहाँ पर पर बना बना ही ही रहे रहे हैं हैं शुरू शुरू से से आप आप देख देख ही ही रहे रहे हैं, हैं, समझ समझ रहे रहे हैं। हैं। तो तो आय आय का का 20% 20% हिस्सा हिस्सा भोजन भोजन पर। पर। तो तो यहाँ यहाँ पर पर अब अब इसमें इसमें तो तो लिखना लिखना पड़ेगा पड़ेगा ना, ना, क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ पर पर तीन तीन दिया दिया हुआ हुआ है, है, तो तो इसको इसको भी भी घटाना घटाना पड़ेगा, पड़ेगा, तभी तभी आपको आपको हम हम तो तो डायरेक्ट डायरेक्ट घटा घटा कर कर भी भी लिख लिख सकते सकते थे, थे, एक एक में में से से एक एक बटा बटा तीन, तीन, लेकिन लेकिन यहाँ यहाँ पर पर लिख लिख देते देते हैं हैं ताकि ताकि आप आप लोग को लोग को समझ समझ में में आ आ जाएगा। जाएगा। ठीक ठीक है, है, तो तो 100 100 माइन माइन मस मस 20 20 बटा बटा 100, 100, ठीक ठीक है, है, गुना गुना फिर फिर 100 100 माइनस माइनस 30, 30, 30 30 बटा बटा 100। 100, देखिए, देखिए, गुना गुना इसी इसी को को लिखने लिखने के के लिए लिए इतना इतना लिखना लिखना पड़ पड़ रहा रहा है, है, एक एक बटा बटा तीन तीन भाग भाग किराए किराए पर, पर, मतलब मतलब कि कि 1 1 माइनस माइनस एक एक बटा बटा तीन तीन हुआ, हुआ, ठीक ठीक है, है, का का किराए किराए पर। पर। ठीक ठीक है, है, तब तब इतना इतना खर्च खर्च करने करने के के बाद बाद इसको इसको जो जो है है 5600 रुपया 5600 रुपया इसको इसको बच बच रहा रहा है। है। ठीक ठीक है, है, 5600। छप्पन सौ। ठीक ठीक है, है, अब अब यहाँ यहाँ पर पर डायरेक्ट डायरेक्ट घटा घटा कर कर लिख लिख दीजिए, दीजिए, एक्स एक्स गुने गुने इसमें इसमें से से हम हम घटा घटा लेंगे लेंगे तो तो 80, अस्सी 80 80 बटा बटा 100 100 गुना गुना इसमें इसमें से से घटा घटा लेंगे लेंगे तो तो 70 70 बटा बटा 100 100 गुना गुना इसको इसको जब जब हम हम घटाएंगे घटाएंगे तो तो 3 3 में में से से एक एक घट घट गया, गया, यानी यानी 2 2 बटा बटा 3 3 हो हो गया। गया। ठीक ठीक है, है, 2 2 बटा बटा 3। 3। तब तब जाकर जाकर करके करके यहाँ यहाँ पर पर यह यह 5600 5600 बचा बचा है। है। इतना इतना हम हम डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लिख सकते सकते थे, थे, लेकिन लेकिन ये ये लिखे लिखे हैं हैं आप आप लोग लोग को को समझने समझने के के लिए। लिए। ठीक ठीक है, है, अब अब देखिए देखिए इसको इसको काटने काटने का का पहले पहले प्रयास प्रयास कीजिए। कीजिए। एक एक जीरो, जीरो, एक एक जीरो जीरो यानी यानी 2 जीरो जीरो से से 2 जीरो2 जीरो खत्म खत्म हो हो गया। गया। और और देखिए देखिए ये ये देखिए देखिए 57 57 56,56 यहाँ यहाँ पर पर 56 56 दिया दिया हुआ हुआ है, है, तो तो जैसे जैसे एकाएक एकाएक भी भी कटा कटा सकते सकते हैं, हैं, सुविधा सुविधा रहेगा। रहेगा। 57 57 56 56 पर पर 2 जीरो,2 जीरो आ आ इसको इसको कटा कटा लीजिए लीजिए यहाँ यहाँ से, से, 7 7 का का 7, 7 और और इसको इसको इससे इससे कटा कटा दीजिए, दीजिए, कितना कितना हो हो जाएगा, जाएगा, 50। 50। ठीक ठीक है, है, और और ये ये जो जो है है अभी अभी नीचा नीचा 3 3 बचा बचा हुआ हुआ है, है, और और कोना कोना कहीं कहीं आराम आराम से से आप आप गुना गुना कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो तो एक एक से से बराबर बराबर कितना कितना आ आ गया, गया, कोना कोना कहें कहें तो तो 50 50 ती ती आई आई 150, डेढ़ 150। सौ। ठीक ठीक है, है, 150 150 पर पर यह यह देखिए देखिए नीचा नीचा 2 गो 0 2 गो 0 बचा बचा हुआ हुआ है, है, तो तो हम हम 2 गो 0 2 गो 0 रख रख देंगे, देंगे, अर्थात अर्थात 15,000 15,000 जो जो है। है, देखिए देखिए यहाँ यहाँ पर पर क्या क्या उसकी उसकी मासिक मासिक आय आय कितना कितना है, है, तो तो हम हम आय आय बराबर बराबर एक एक समान समान है, है, इसलिए इसलिए इसका इसका आय आय जो जो है है 15,000 रुपया 15,000 रुपया आंसर आंसर हो हो गया। गया। ठीक ठीक है, है, जहां जहां तक तक विश्वास विश्वास है है कि कि क्वेश्चन क्वेश्चन आप आप लोगों लोगों को को समझ समझ में में आ आ गया गया होगा। होगा। चलिए चलिए अब अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पर पर चलते चलते हैं। हैं। आप आप लोगों लोगों को को वीडियो वीडियो कैसा कैसा लगा, लगा, लाइक लाइक एंड एंड शेयर शेयर जरूर जरूर कीजिएगा, कीजिएगा, और और एलपी एलपी टेक्नीशियन टेक्नीशियन के के लिए लिए आप आप लोगों लोगों को को कैसे कैसे पीडीएफ पीडीएफ मिलेगा, मिलेगा, मैं मैं अभी अभी वीडियो वीडियो के के अंत अंत में में मैं मैं बताऊंगा। बताऊंगा। ठीक ठीक है, है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में में देखिए देखिए कि कि एक एक व्यक्ति व्यक्ति क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि एक एक व्यक्ति व्यक्ति अपने अपने धन धन का का 20% 20% बड़े बड़े पुत्र पुत्र को, को, शेष शेष का का 25% 25% छोटे छोटे पुत्र पुत्र को को देता देता है, है, यदि यदि शेष शेष का का 40% 40% पत्नी पत्नी को को देता देता है, है, जिसे जिसे पत्नी पत्नी को को 72 लाख 72 लाख रुपया रुपया मिलता मिलता है। है। देखिए देखिए यहाँ यहाँ पर पर यहाँ यहाँ पर पर समझने समझने योग्य योग्य बात बात है, है, जो जो 40% 40% पत्नी 40% को पत्नी मिल को रहा मिल रहा है, है, उसी उसी का का माने माने दिया दिया हुआ हुआ है है कि कि टोटल टोटल 72 लाख 72 लाख रुपया रुपया उसको उसको मिल मिल रहा रहा है, है, तो तो छोटे छोटे पुत्र पुत्र को को कितना कितना धन धन मिलता मिलता है। है। ठीक ठीक है, है, तो तो यहाँ यहाँ पर पर जो जो है है उसी उसी मेथड मेथड से से हम हम चलेंगे, चलेंगे, यहाँ यहाँ पर पर कुल कुल आय आय जो जो है है नहीं नहीं दिया दिया हुआ हुआ है, है, लेकिन लेकिन पत्नी पत्नी का का हिस्सा हिस्सा 72 लाख 72 लाख रुपया रुपया दिया दिया हुआ हुआ है। है। ठीक ठीक है, है, तो तो हम हम फिर फिर यहाँ यहाँ पर पर कुल कुल आय आय जो जो है, है, आय आय जो जो है है हम हम एक्स एक्स मान मान लेते लेते हैं। हैं। ठीक ठीक है, है, एक्स एक्स माना। माना। ठीक ठीक है, है, अब अब एक्स एक्स का का देखिए देखिए यहाँ यहाँ पर, पर, एक्स एक्स का का 20% बीस प्रतिशत बड़े बड़े पुत्र पुत्र को, को, अर्थात अर्थात 20 20 100 100 में में से से घटाएंगे घटाएंगे तो तो 80 80 बटा बटा 100 100 गुना गुना 25% 25% छोटे छोटे पुत्र पुत्र को, को, अर्थात अर्थात 75 75 बटा बटा
चालीस सौ में से नहीं घटाएंगे, इसलिए कि यहाँ पर कह रहा है 40% पत्नी को देता है, जिससे पत्नी को 72 लाख रुपया मिलता है, यानी 40% का मान ही 72 लाख दिया हुआ है, इसलिए 100 में से हम 40 नहीं घटाएंगे, ठीक है। 40 बटा यहाँ पर शेष नहीं है, शेष मतलब 72 नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बराबर बचत जो है, इसका मतलब पत्नी का हिस्सा बच जा रहा है, यानी यहाँ पर 72 लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको कटाएंगे, ठीक है, देख लीजिए, पहले जीरो वाला साफ कर देते हैं, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो और ए जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, ठीक है। और देखिए 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है, देखिए ए जीरो से जीरो तो कट गया है, तो इस चार को हम इस चार से काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 तिरका 24, ठीक है, और 24 तिया 72, ठीक है, जैसे इस तरह भी काट लीजिए, सीधा रहेगा, 8 नवा 72 और 3 तिया 9, और देखिए कोना कानी जब गुना होगा 100 में 3 से, तो x का मान बराबर 300 आ जाएगा, ठीक है, ये 300 क्या है, लाख, यानी 72 लाख जो है, यहाँ पर 72 लाख लिखा था, तो हम केवल 72 ही लिखे थे, जीरो नहीं डाले थे, इस आधार पर हमको 300 आ गया, इस प्रकार यह जो है 300 लाख ये कहा जाएगा, ठीक है, 300 लाख जो है हमारा कुल धन हो गया, मतलब कि आय हो गया। लेकिन जब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटे पुत्र को हिस्सा कितना मिला, ठीक है, तो बड़े पुत्र को तो यहाँ पर 20% मिला है, और शेष जितना बच रहा है उसका 25% जो है मतलब कि छोटे पुत्र को मिल रहा है, तो बड़े पुत्र को 20, यानी हमको अब निकल गया है ना कुल आय, तो हम यहाँ पर कुल आय का ही पर ही चलेंगे, तो 300 गुना बड़े पुत्र को 20%, इसको हम घटा कर लिख देंगे 100 गुना इसका जो शेष बचा है उतना ही ना छोटे पुत्र को मिला, इसका 25%, तो यहाँ पर हम 25/100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको जो है हम आराम से कटा लेंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, ठीक है, और इसको काट लीजिए 25 चौका 100, या 4 से इसको काट लीजिए 20 चौका, देखिए यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर 20 है, ठीक है ना, 20 चौका 80 और 20 तिहाई 60, ठीक है, ये कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है, 60 आ गया, तो कहने का मतलब जो है ये लाख में आ गया, ठीक है, लाख में आ गया, क्योंकि लाख पर मैंने जीरो सब में नहीं दिया था, इसलिए जितना आंसर आ रहा है वो लाख में आएगा, ठीक है, तो 60 लाख जो है छोटे पुत्र का धन जो है ये आंसर इसका हो गया, ये छोटे पुत्र का है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं छोटे, देखिए यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, छोटे पुत्र का जो है 60 लाख यह आ गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि कुल आय x हो गया, x का मतलब कि 20% बड़े पुत्र को, तो बड़े पुत्र को 20 घटा दिए, और छोटे पुत्र को जो है 25%, इसको भी घटा दिए, मैंने सभी को घटा कर मैंने लिख दिया, लेकिन पत्नी का नहीं घटाया मैंने 40%, इसलिए कह रहा है कि 40% पत्नी को देता है, जिसे पत्नी को 72 लाख रुपया मिलता है, ठीक है, तो इसी का मान जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए हम 100 में से 40 को नहीं घटाएंगे, बराबर 72 लाख। ये अब यहाँ जो है एक्स का मान इस प्रकार हम 300 निकाल लिए, और हमको कुल आय निकल गया, और कुल आय पर 20% जो है अब मतलब कि बड़े पुत्र को दिया, इसलिए 20 में से घटा लिए, क्योंकि उसके शेष का 25% छोटे को मिल रहा है, इस प्रकार हम छोटे पुत्र का 60 लाख निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखिए कि कोई व्यक्ति अपने धन का 20% छोटे पुत्र को देता है, तथा शेष का क्रमशः, देखिए लगातार है क्रमशः 15% और 25% दूसरे और तीसरे पुत्र को देता है, तो शेष का 40% हिस्सा अपनी पत्नी को देता है, यदि उसकी बचत 36 लाख रुपया हो, तो तीसरे पुत्र, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए तीसरे पुत्र को कितना धन मिला है, ठीक है, वह जो है तीसरे पुत्र को पूछ रहा है कि कितना धन मिला है, तो यहाँ पर यहाँ भी कुल धन नहीं दिया हुआ है, नहीं, तो यहाँ पर हम कुल धन, फिर हम कुल धन
कुल धन जो है हम एक समान लेते हैं, एक समाना, ठीक है। अब देखिए, कोई व्यक्ति अपने आय का, व्यक्ति अपने धन का, आय का 20% छोटे पुत्र को देता है, ठीक है। तो हम आय तो मालूम नहीं, हम एक्स यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स का छोटे पुत्र को कितना देता है, 20%। अर्थात इसमें से हम घटा कर लिखेंगे तो 80/100 गुना, देखिए शेष का क्रमशः 15% और 25% जो है दूसरे और तीसरे पुत्र को सम्मिलित रूप में दिया है। इसीलिए हम सम्मिलित, इसको हम जोड़ लेते हैं। 15 और 25 जो है कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक ना। इसको 40 में से फिर हम 100 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। 60, 60/100, ठीक है। उसके बाद फिर 40% अपनी पत्नी को देता है शेष का, तो फिर हम घटाएंगे तो 60/100, ठीक है। ये 60 तो आप समझ रहे हैं ना, हम इसको जोड़ दिए हैं, इसको जो है जोड़ करके हैं 60 हम लिख दिए, यानी 40 में से 100 घटा दिए हैं। इतना करने के बाद जो है इसको जो है क्या कह रहा है कि उसकी बचत 36 लाख रुपया है। तो यहाँ पर हम 36 लाख लिख दिए, जीरो हम नहीं देंगे, जो आंसर आएगा वो लाख में आएगा, ठीक है। नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर कई गो जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 को हम काट दिए, 3 0 से 3 0 काट लिए, ठीक है। इसको कटा दीजिए 6 6 36, और ई 6 से ई 6 को मार दीजिए, ठीक है। उधर तो कुछ नहीं बचा है, 1 बचा हुआ है, ठीक है। अब जो है इधर भी देख लीजिए, कटा लीजिए इसको, इधर तो कुछ नहीं बचा है, यानी 4 2 8 और 25 4 100, और इसको जो है कटा दीजिए 5 2 10, ठीक है। अब ये कुना नीचा क्या बच गया, 25, और यहाँ पर 5 बच गया, ठीक है। नीचे इधर 1 बचा हुआ है, अब इधर से कोना कानी जब गुना करेंगे तो 25 25 125, माने 1 = 125 आ गया, ठीक है। अर्थात कुल धन, मतलब कि कुल धन हमको आ गया 125 लाख, क्योंकि लाख में हम जीरो यहाँ पर 36 लाख दिया था, नहीं दिए थे, इसलिए जो भी आंसर आएगा यह लाख में आएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा लाख में आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि तीसरे पुत्र को कितना मिला है, ठीक है। तो तीसरे पुत्र को देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि शेष का क्रमशः 15% तथा 25% दूसरे तथा तीसरे पुत्र को मिलता है, ठीक है। तो तीसरा पुत्र को देखिए यहाँ पर, हम पहले यहाँ पर 125 लाख तो निकल गया, तो अब कुल आय का ना होगा भाई, तो कुल आय का 125 गुना, देखिए कोई व्यक्ति अपने बड़े पुत्र को, मतलब छोटे पुत्र को 25, मतलब 20% दे रहा है, तो शेष कितना हो गया घटाने पर, 80/100, ठीक है। आ गुना देखिए क्रमशः शेष यहाँ पर, शेष का क्रमशः 15% तथा 25% दूसरे एवं तीसरे, मतलब कि तीसरे का मतलब हो गया 25 जो है तीसरे पुत्र को 25% दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 25, इसको 100 में से नहीं घटाएंगे क्योंकि इसका मान हमको निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसको हम कटा लेंगे, और कटाने पर जो आंसर आएगा वही इसका हिस्सा होगा, ठीक है। तो इसको कटा लीजिए 25 चौका 100, और इस 4 से इसको कटा दीजिए 20 चौका 80, ठीक है। और 20 पचे 100, ठीक है। और ई 5 को इसे कटा दीजिए 25 पचे 125, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आ गया 25, यानी 25 लाख जो है यह हो गया छोटे, यानी तीसरे पुत्र का, ठीक है। ये जो हो गया तीसरे पुत्र का हो गया, मतलब कि फिर से देख लीजिए, दूसरे और तीसरे पुत्र का जो धन मिल रहा है वो छोटे पुत्र को जो धन मिलता है उसका शेष, मतलब कि दूसरा और तीसरा पुत्र को जो सम्मिलित रूप में मिल रहा है, मिलता है, इसलिए हम इसको 15 और 20 इसको जो है हम जोड़ दिए हैं, जोड़ करके उसको घटा करके इस हम एक्स का मान निकालिए, और एक्स जो है मतलब कि जो जो आ गया है कुल आय आ गया, और कुल आय का जो है तीसरे पुत्र का जो है 25% है,
तो हम आप बड़े पुत्र छोटे पुत्र को 20%, इसलिए 20% 100 में से घटा लेंगे, और तीसरा पुत्र का जो है 25 है, इसलिए 25/100, क्योंकि इसका मान निकालना है तीसरे पुत्र का, इसलिए इसको 100 में से नहीं घटाएंगे, और एक्स का मान आपका निकल जाएगा। एक्स का मान कह रहे हैं ये जो है तीसरे पुत्र का है, यहाँ पर लिख सकते हैं तीसरे पुत्र का जो है हिस्सा जो है आपका 25 लाख आ गया। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। अब मैं आपको ये बता दें कि आप लोग को पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9893-57-1426। इस पर आप लोग कांटेक्ट करके एएलपी टेक्नीशियन, डीआरडीओ, एनटीपीसी, मतलब कि जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उन सभी टेक्निकल एग्जामों का आप टेक्निकल क्वेश्चन का पीडीएफ यहां से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आईटीआई के फिटर, बेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, ऑटोमोबाइल, इस सभी का पीडीएफ आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और डिपार्टमेंटल एलडीसी जेई का जो एग्जाम होता है, एलडीसी जेई के लिए भी आप यहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एलएचबी, आईसीएफ, डेमू, मेमू, बीएलसी, वैगन, जितने भी हैं उस सभी का, और जितने भी वर्कशॉप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस सभी का आप यहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इस पर कांटेक्ट करके। और इस पर फालतू का मैसेज प्लीज नहीं कीजिएगा, जो भी मतलब कि जिसको लेना होगा पीडीएफ वहीं इस पर मैसेज करेंगे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं इसके लिए थैंक यू, और आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, यही आप लोगों से उम्मीद है। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।